जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा चरण वंदन और बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं उनका गुणगान कर सकूं, उनके बारे में कुछ कह सकूं। उनकी तो लीलाएं अपरंपार हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ भी उनके बारे में कह सकें या बता सकें, पर वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो हमारी सभी गलतियों को माफ करके, हमारी सभी बुराइयों को इग्नोर करके हमें फिर से थाम लेते हैं। हम भटकते हैं पर वो हमें भटकने नहीं देते, हम गलत राह पसंद करते हैं और वो हमारा हाथ पकड़कर फिर हमें सही मार्ग पर ले आते हैं। ऐसे प्यारे, ऐसे दयालु, इतने करुणा निधान हमारे गुरुजी महाराज, उन्होंने जो हम पर कृपा की है उसका हम लफ्जों में या शब्दों में किसी भी प्रकार शुक्राना नहीं कर सकते या धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। वो इन सब चीजों से परे हैं, वो परम पिता परमेश्वर, वो निर्विकार निराकार हैं। ऐसे प्रभु का गुणगान करना, उनको शब्दों में कह पाना असंभव ही है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं, जैसे भी हमारी योग्यता होती है या जैसे भी हमें क्षमता होती है, अपने शब्दों में कहने की, वो बताने की जो हम कहना चाहते हैं, और उन्हीं शब्दों को, उन्हीं भावों को आज बहुत ही प्रेम के साथ और प्रेम के ही धागों में पिरोकर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बहुत आदर के साथ अर्पण कर रही हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। और ये गुरु जी की सारी संगत को भी मेरा प्रणाम है और जितने भी लोग गुरु जी की सेवा में जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ और उनको भी सभी को नमन करती हूँ। और आज का मैं अपना सत्संग आरंभ करती हूँ। तो जो मैं सत्संग आज करने जा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहती हूँ, जो पहले, क्योंकि मैंने पहले भी एक सत्संग किया था, पर मैंने जितनी भी पुरानी संगत है उनसे सुना है कि गुरु जी कहा करते थे कि शुरू से सुनाई, तो इसीलिए मैं जो भी है वो थोड़ा सा पहले का भी बता रही हूँ, पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी, या हम ये कहें कि जुड़े तो क्या, हम तो जन्मों से ही उनके श्री चरण में पड़े हैं, बस अपनी अज्ञानता के कारण या जो भी चीजें हैं उनके कारण हम उन्हें जान नहीं पाए या उनके बारे में कुछ समझ नहीं पाए या कोई उनके बारे में हमें ज्ञान नहीं हो सका, या ये कहें कि जब तक गुरु जी नहीं चाहते तब तक हम कुछ भी उनके बारे में ना जान सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना ही उनके दरबार में हम पहुंच सकते हैं। तो वो उनकी इच्छा होती है कब उनसे मिलना है, कब उनकी इच्छा से हम सत्संग करते हैं, या उनकी कृपा जब होती है वो ही जाने, क्योंकि वो तो लीलाधर हैं। तो मैं ये बताऊंगी सबसे पहले कि मैं उनसे कैसे जुड़ी, और थोड़ा ही बताऊंगी क्योंकि पहले मैंने ये सत्संग किया था 2018 में, मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत ही धार्मिक थी, और धार्मिक नहीं कहूंगी मैं, आध्यात्मिक थी शुरू से, और उसने मुझे बताया तो मैं सुनती थी बहुत अच्छे से, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। और फिर मैंने एक दिन, मेरे पास मैं कुछ काम कर रही थी कंप्यूटर पर और मेरे को सजेशंस आ रहे थे उसमें सत्संग के, और मैंने उषा आंटी का एक सत्संग सुना, और उसके बाद बस वो तो जैसे कि झड़ियां लग गई सत्संग की, एक के बाद दूसरा और तीसरा और चौथा। और फिर मैंने उनके बारे में सर्च किया गुरु जी के बारे में, और मुझे यहाँ मेलबर्न की ही जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो मिल गई, और उसमें ये था कि आप ऑनलाइन ही कहीं भी सत्संग होता है किसी के, या चाहे घर में है या कहीं भी है, तो हम लोग उसे ऑनलाइन बुक करके जा सकते थे। तो मैंने उसमें अपना बुकिंग डाली और मैं चली गई, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी मदर इन लॉ, और हम वहां गए, और जो जिस घर में वो सत्संग हो रहा था उसका जब दरवाजा खुला तो वो जो वहां का अद्भुत नजारा था, वो इतना सुंदर दरबार था,
और वहां पर गुरु जी का स्वरूप इतना सुंदर, सब कुछ इतना प्यारा था कि वो समा ऐसा लगता था बस हमेशा के लिए आंखों में समा जाए। और वहां हमें बहुत ही अच्छा लगा, और उसके बाद हम लोग वापस आए और फिर हम इस तरह से सत्संग में जाने लगे थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेलबर्न में जैसे क्या होता है कि सभी जो लोगों के पार्टीज होते हैं या गेट टुगेदर्स होते हैं वो वीकेंड में ही होते हैं, और तो मैं भी उनमें जाती थी, मिलती थी, और वही टाइम होता था कि वीकेंड्स में ही सारे सत्संग भी आते थे और वो क्लैश करते थे टाइमिंग्स। पर मैं अपने गुरुजी को सेकेंडरी रखती थी और फर्स्ट प्रेफरेंस मैं उनमें जाने में देती थी, और जो मेरी गलती थी। पर गुरुजी महाराज की कृपा, वो तो अपने भक्तों पर, अपने सभी लोगों पर ऐसी कृपा करते हैं, जब एक बार वो थाम लेते हैं तो फिर वो भटकने नहीं देते। तो बस उन्होंने फिर से संभाला और हमारे पर गुरुजी महाराज की कृपाएं होने लगी थी, पर हम उसको एहसास नहीं कर पा रहे थे। हम भी ये हो रहा था कि चेंजेस हो रहे हैं, पर ये नहीं जानते थे कि ये कैसे हो रहे हैं और किस कारण से हो रहे हैं। तो उसके बाद तो हमारी दो प्रॉपर्टीज थी जो मैं भी ये सत्संग बताने जा रही हूँ, और वो दोनों प्रॉपर्टीज हमारी इंडिया में थी, और एक तो हमारा घर था एक, और दूसरी हमारी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, एक शॉप थी। और पहले हम मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि जो हमारा घर था वो यहाँ पे कोविड के टाइम पर हम सब यहाँ पर थे और वो कुछ भी बिक नहीं पा रहा था, और कैसे वो हमारा जो घर था, हमने किसी अननोन का फोन आया और उसने कहा कि हमें आप बताइए, आप हमें बस चाबी अरेंज कराइए और हम आपका जो है घर किसी भी तरीके से अच्छे प्राइसेस में दिखवाएंगे, क्योंकि क्योंकि हमारी सारी फैमिली यही है। तो वो कोई भी लोग सब बस ऐसे ही उल्टे सीधे प्राइसेस हमें बता रहे थे कि ये इतना ले लो, इतना ले लो, और उनको लगता था यहाँ तो कोई है नहीं तो कौन इनका देखने वाला है, तो वो कुछ भी अपने मन से बोल देते थे कुछ भी प्राइसेस का। तो उस किसी ने, जो अननोन पर्सन था, उसने कॉल किया और हमने उसको चाबी किसी तरह अरेंज कराई। शायद ये सब भावनाएं या जो भी हम कर रहे थे, क्योंकि किसी को ऐसे अपने घर की चाबी अरेंज कराकर देना वो पॉसिबल नहीं है, पर गुरुजी जब आपके दिमाग में चीजें डाल देते हैं तो आप पता नहीं क्या कर रहे होते हो। और हमने वो उसको चाबी अरेंज कराई और उसने हमारा वो घर बिकवाया कोविड के टाइम में। और अब वो देखिए, इतना 2019 की बात है और अभी तक हमने सारे पेपर्स भी हमारे ही पास हैं, हमारे पास उसके पूरे पैसे भी आ चुके हैं जो हमारा घर बिका, और कोई भी पेपर पे साइन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और आप ही देखिए कि हम कोई, क्योंकि जा नहीं सकते थे कोविड के टाइम में इंडिया किसी पेपर्स पे साइन करने, और आज के टाइम में और ऐसे ऐसे समय में जिसमें कोविड है और सब लोग इतना हार्ड टाइम से जा रहे हैं कि कोई हमें फुल पेमेंट भी कर देता है और उसके पास कोई पेपर्स भी नहीं है, और अभी घर भी हमारे ही नाम है, और जो कि बहुत अलग था, बहुत ही अजीब था, पर हम खुद ही सोच रहे थे ये सब हो क्या रहा है। इसके साथ साथ जो हमारी एक और प्रॉपर्टी थी, जो हमारी कमर्शियल वो थी, एक शॉप थी हमारी, उसका मैं आज मेन सत्संग शेयर करूंगी। ये भी उसी टाइम की ही बात है, क्योंकि वो जो शॉप थी हमारी, उससे हम बहुत ही परेशान थे, और लगातार क्या था कि हर साल हमें उसका मेंटेनेंस का भी पे करना पड़ रहा था, और हमने अपने ही कोई रिलेटिव्स के यहाँ पर उसके पेपर्स और उसकी चाबी रखवा दी थी कि आप इसको रखिए, जब भी हम इंडिया आएंगे या कभी किराए पे भी अगर उसको चढ़ाना है तो आप लोग प्लीज कर दीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ना ही वो हमारे पेपर्स देते थे, ना ही वो हमारी चाबी हमें वापस कर रहे थे, और उनके मन में जो भी रहा होगा वो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। पर हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से उनसे हम अपने पेपर्स निकलवा लें, अपनी चाबी निकलवा लें या कुछ भी, क्योंकि इतनी दूर बैठकर कुछ भी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर जब आपकी सारी फैमिली, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह सब यहीं पर हैं, और हमने आई थिंक ऐसा कोई इंसान नहीं था या कोई भी तरीका ऐसा नहीं था जो हमने छोड़ा हो, कोई भी अप्रोचेज ऐसी नहीं थी जो हमने ना की हो कि हमारी वो किसी तरह से, हमें उस दुकान से मुक्ति मिले, हमारी वो
बिक जाए, क्योंकि हमें हमें बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ से वो सब चीजें मैनेज करना। तो ये 2018 में जब हम गुरु जी से जुड़ चुके थे और उनकी कृपा हम पर ऐसे बरस रही थी, तभी हमारे एक रिलेटिव है, उनका बेटा, वो उसकी कोई एज भी नहीं थी, लाइक वो 20 इयर्स का था, और उसका फोन आता है और उसने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैंने एक किसी से बात की है और वो आपकी शॉप जो है बिकवा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतने सारे लोगों से हमने बोला है, ये ऐसे बच्चा है, ये क्या बिकवाएगा या कैसे करेगा ये, क्योंकि वो लोग इतने स्ट्रांग थे जो जिनके पास हमारी चाबी और हमारे पेपर्स रखे थे। तो हम लोग खुद ही थोड़ा सा हमें डाउट में थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अच्छा बेटा, अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा करिए कि अगर वो हमें कोई टोकन मनी दे देते हैं तो तब मैं एटलीस्ट, मेरे को ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ वो लेना चाहते हैं शॉप को, तो मैं यहाँ से आऊं। अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है कि मैं यहाँ से अप्लाई करके वहां आऊं और फिर वहां पर कुछ हो ना। तो उसने बोला ठीक है, और उसने दो चार दिन बाद हमें फोन करा और कहा कि उसने मुझको टोकन मनी भी दे दी है और आप आ जाइए और अपनी दुकान के लिए जो भी है सिग्नेचर वगैरह जो भी करने हैं वो कर दीजिए। ये 2019 की बात है, फेब में। उस समय जो है कोविड की लहर चल पड़ी थी, लेकिन हम लोग सब देख रहे थे न्यूज में कि ये सब हो रहा है, पर हमें ये नहीं था कि अभी इतना ज्यादा वो हो जाएगा या ऐसे फैल जाएगा। 10th ऑफ फेब को मेरे हस्बैंड यहाँ से इंडिया गए सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी लेकर, और वहां पहुंचे, और जब हमें पता चला कि जो जो खरीदना चाहता है वो एक पुलिस वाला है, और तो हम थोड़ा सा यू नो कि हो गए कि ये कैसे लेगा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है भी नहीं है। तो जब हम उससे मिले, मेरे हस्बैंड उससे मिले, तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने जाके कि देखिए हमारे पास जो थोड़े से ही पेपर्स हैं, लेकिन जो सारे जो मेन पेपर्स हैं वो मेरे पास नहीं है। तो उसने बोला जी कोई बात नहीं है, मैं फिर भी आपकी दुकान खरीद लूंगा। उसने कुछ हमसे कोई क्वेश्चन कैसी है, कहाँ है, मुझे दिखा दो, कुछ हमसे कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मेरे हस्बैंड ने फिर नेक्स्ट उनको बोला कि हमारे पास उस शॉप की कोई चाबी भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, और उन्होंने जो है पूरी पेमेंट जो भी उन्होंने करनी थी वो मेरे हस्बैंड को दी। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े से वो हो रहे थे अंदर से नर्वस, क्योंकि क्या था कि जो वो शॉप थी, आपको मालूम है कई बार क्या होता है इंडिया में, जब कोई चीज बहुत टाइम तक बंद रहती है तो लोग उसको डिफरेंट वे में यूज करने लगते हैं, क्योंकि उसको उस पर लोग जाकर वहां पर उन्होंने वो पूरा टॉयलेट एरिया टाइप का बना दिया था और उसको इतना गंदा कर दिया था, जबकि वो शॉप मॉल में थी, पर वो जैसे सेकंड या थर्ड फ्लोर पे थी और थोड़ा साइड में थी, तो उसको बहुत ही गंदे वे में उन्होंने उसको यूज कर रखा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप प्लीज एक बार पैसे देने से पहले उस शॉप को जाकर देख लो, या मेरे साथ चल लो, मैं दिखा देता हूँ। तो उस पुलिस वाले ने बोला कि आपको अपने पैसे मिल गए हैं, आप अपने काम से काम रखिए और मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा, तो आप जाइए और मैं अपने आप देख लूंगा जो मुझे करना है, आप अपने पैसे लेकर यहाँ पर क्यों मेरे से टाइम वो कर रहे हो खराब। और वो पैसे लेके और फिर वो वापिस आ गए, और हम लोग सच में बहुत शॉक में थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आपसे कुछ चीज खरीद रहा है, उसको देख नहीं रहा कि उसकी हालत कैसी है, उसको हमारे पास कोई पेपर्स भी नहीं है और हमारे पास चाबी भी नहीं है, और तब भी जो भी उस समय ठीक रेट था वो सब उसने हमारे को दिया था, और उसने पूरी हमें पेमेंट उसी समय दे दी थी, क्योंकि मेरे पास, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था वहां रुकने का, और वो फिर वहां से वापस आ गई। जब वो वहां से इंडिया से वापस आए, और 17th फेब था 2019, और वो घर पहुंचे हैं और दो दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया। गुरुजी ने हमारा लॉकडाउन से पहले वो जो इतनी बड़ी हमारी प्रॉब्लम इतने सालों से जो चल रही थी उसको तो ठीक करा ही करा, और कोविड के टाइम में मेरे हस्बैंड को बिल्कुल राइट टाइम पर यहाँ पहुंचा दिया, क्योंकि दो दिन बाद जब लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद तो यहाँ से इतने सालों तक, मतलब तो 2.5 साल जो भी हो गए थे, निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया था।
और फिर हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, जो हमारा घर था, वो मैंने बताया कि कैसे हमारा अभी तक भी उसके पेपर्स हमारे पास हैं, कोई उसके सिग्नेचर हमने कहीं नहीं किए हैं, और घर भी अभी हमारे ही नाम है और उसकी भी पूरी पेमेंट यहाँ पर आ चुकी है। तो ये सब हमें समझ नहीं आ रहा था और हम अपने मन में सोच रहे थे कि कैसे पॉसिबल हो रही है ये सब चीजें। और एक दिन मैं अलग कमरे में थी और मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में थे, और सडनली हमें जैसे किसी ने हमारे कान में कहा हो आके कि ये सब करने वाला मैं हूं, और हम दोनों उसी समय बाहर आए। और मैं कहती तो उससे पहले ही मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने कहा कि ये मैंने किया है, जैसे वो गुरु जी थे और वो कह के गए हैं हमें कि ये सब करने वाला मैं हूं। और बस उस दिन हम दोनों ने ये एहसास किया कि जो सब चीजें बदल रही हैं, ये किस समय से बदलनी शुरू हुई, कैसे ये सारा हमारी लाइफ की जर्नी ही एकदम अलग तरह से हो गई, जो भी हमारे टेंशन थी वो खत्म हो रही थी, और गुरुजी महाराज की जो ब्लेसिंग्स थी वो ऐसे बरस रही थी कि जर्नी बहुत ही ठीक चलने लगी। तो ये उनकी कृपा, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सत्संग में जाने लगे, रेगुलर हो गए और उनके उनसे जुड़ने लगे। उन्होंने अपनी तरफ हमें अब वो रास्ता मोड़ दिया था कि अब तुम आओ और तुम्हारा जो अब रास्ता है वो इधर उधर भटकने का नहीं है, मेरी शरण में आने का समय हो चुका है, ये गुरुजी महाराज ने हमें बताया, इतने प्यार से हमें जताया कि देखो ये सब मैं करता हूं, कोई और नहीं है। तो जय गुरुजी महाराज इतना हम पे प्यार बरसाने के लिए, ऐसी हम पर कृपा करने के लिए। उसके बाद मैं एक अपनी एक सत्संग में जो है शेयर करूंगी। ये जो सत्संग है ये हमारा अभी लास्ट मंथ जब शिवरात्रि का है, जो शिवरात्रि आई थी वो 3 तारीख की थी, 3 मार्च की, और वो ट्यूसडे था। और हमने मैं एवरी मंडे हमारे घर में सत्संग होता है, तो 2 तारीख को भी इसका मतलब सत्संग था हमारे घर में, और हम मंथ के फर्स्ट थर्सडे को भी सत्संग करते हैं, और वो मंथ का फर्स्ट थर्सडे भी था मार्च में ही। तो 3 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 5 तारीख तीनों को सत्संग था। तो हमने सोचा बीच में एक वेंसडे पड़ रहा है, इसे भी क्यों हम छोड़ें, तो हमने दरबार को सजाए ही रखा और हमने सोचा कि हम 4 दिन तक सत्संग करेंगे। तो हमने वो 4 दिन का सत्संग किया, और 7 तारीख को मुझे ड्रीम आया। मैंने ड्रीम में देखा कि हमारे घर में शिव विवाह हो रहा है, और मैंने उसमें सपने में देखा कि जो शिव जी है वो मुझसे कह रहे हैं और कह कह के चीजें करवा रहे हैं कि इन फूलों को ऐसे सजाओ, इन लड़ियों को ऐसे सजाओ, ये डेकोरेशन ऐसे करो, ऐसे करो। और मैंने वो सारा जैसे जैसे उन्होंने मेरे को कहा मैं वैसे वैसे वो सब सजा रही हूँ, सब चीजें कर रही हूँ। और उसके बाद हमारे घर में शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ, और ये सारा मैंने ड्रीम में देखा। और ये उसी समय, क्योंकि मेरा मैं सुबह अमृतवेला के समय उठती हूँ, तो वो मेरा बस उठने का भी टाइम था, मैं एकदम से उठी और मैंने एकदम से सोचा ये सब मैंने क्या देखा। अंदर से खुशी भी हो रही थी पर एक डर भी लग रहा था कि ये कैसा सपना था। और फिर जब मेरे हस्बैंड उठे मैंने उन्हें बताया, और उन्होंने स्पेशली क्वेश्चन मुझसे किया कि तुमने गुरु जी को देखा था कि शिव जी को देखा था, और मैंने कहा नहीं, मैंने शिव जी को ही देखा था, पर हमारे गुरु जी महाराज ही जो शिव है तो वो ही उस रूप में आकर दर्शन देकर गए थे। और ये जो शिव विवाह था मैंने पूरा ऐसा देखा बिल्कुल कि अभी भी मैं आपसे बता रही हूं तो ऐसा लग रहा है कि वो सब मेरी आंखों के आगे हो रहा है। पर और मेरे हस्बैंड ने बोला चलो ये तो बहुत ही अच्छा ड्रीम है, बहुत ही अच्छी बात है अगर तुमने ऐसा सपना देखा है। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ डाउट्स आ रहे थे कि ये सपना था और यह सच में गुरु जी आए थे, इस तरह की बातें मेरे मन में चल रही थी। और क्योंकि मैं यहाँ पर हमारे हमारा एक ग्रुप है उसके लिए मैं यहाँ पर शिव पुराण पढ़ती हूँ, उनके लिए रीड करती हूँ, और फिर उसको और भी, क्योंकि जो शिव पुराण है उसमें जो हिंदी लिखी है वो काफी कठिन है, कुछ शब्द बहुत ही कठिन आते हैं तो बहुत सारे लोगों को वो समझ नहीं आते,
तो हम उसको और भी साधारण हिंदी में उसका जो मैं सरलार्थ करती हूँ और इस तरह से उसको रीड करती हूँ। तो अभी पहले तो वो जूम पर होता था, फिर हमने इसकी रिकॉर्डिंग्स करनी शुरू की और फिर वो रिकॉर्डिंग्स सबके पास जाती है और सब उसको सुनते जब भी जिसको भी सही टाइम लगता है। क्योंकि जो ये शिवपुराण में पढ़ रही थी इसी उसी दौरान अभी भी वो सारा प्रसंग चल रहा है जहां शिव और पार्वती का विवाह हो रहा है। तो मेरे मन ने कहा कि क्योंकि मैं वो शिव पुराण में शिव और पार्वती जी का विवाह का प्रसंग पढ़ रही हूँ और वो इतना सुंदर है जब मैं उसको पढ़ती हूँ, और क्योंकि मुझे उसका सरलार्थ उसका अर्थ भी बताना होता है, तो वो मेरे लिए इतना ज्यादा हो जाता है, ऐसे अपना लगने लगता है और सब चीजें ऐसी लगती है पढ़ते पढ़ते कि वो सब आंखों के आगे मेरे घटित हो रहा है, सब हो रहा है। वो सब उसमें जो शिव जी का स्वरूप या उनकी पार्वती जी की उनकी व्याख्या जो भी बताया गया है एक एक चीज के बारे में कि कैसे उनकी सुंदरता उनके बारे में वहां पर जो भी सजावट की गई एक एक छोटी छोटी चीज के बारे में इतनी अच्छे से बताया है, तो मुझे लगा कि शायद वो सब चीजें मैं पढ़ रही हूँ और रोज रिकॉर्डिंग जा रही है तो शायद यही सब बातें मेरे दिमाग में रह गई होंगी और इसीलिए मैंने वो ड्रीम देखा। उसके बाद एक महीना बीत गया और अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है जो सिडनी में रहती है, वो गुरु जी की संगत भी नहीं है, और उसका मुझे कॉल आया। उससे भी ज्यादा बातचीत नहीं होती है अभी, और जब भी और जबकि जो फोन भी आया आई थिंक 2 या 2.5 साल बाद मैंने उससे बात की होगी। उसने थोड़ी देर तो मुझसे इधर उधर की बातें की और फिर उसने मुझसे अगला क्वेश्चन किया कि तुमने अपने घर में अभी जो शिवरात्रि गई थी लास्ट मंथ उसमें कुछ किया था क्या? तो मैंने बोला हाँ हमने गुरु जी का सत्संग किया था। तो उसने बोला नहीं उसके अलावा भी कुछ किया था तुमने? मैंने बोला नहीं हमने तो काली गुरु जी का सत्संग किया था और पर हमने 4 दिन तक लगातार किया था क्योंकि इस तरह से दिन बैठ रहे थे तो हमने सोचा कि हम दरबार को बढ़ाएंगे नहीं और 4 दिन तक लगातार सत्संग करेंगे। उसने बोला कि लेकिन कुछ और भी था? मैंने बोला और तो कुछ नहीं था। तो बोलती अच्छा तुम मेरे को बताना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने बोला कि तुमने अपने घर में शिव विवाह किया था ना? और जैसे ही उसने ये बोला मेरे को एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने बोला कि क्योंकि वो तो मेरा ड्रीम था, तो मैंने उसको बोला कि नहीं मैंने कोई शिव विवाह नहीं किया था अपने घर में। तो उसने बोला कि तुम ऐसे झूठ मत बोलो कि तुमने नहीं किया था, क्योंकि तुमने जो अपने घर में वो शिव विवाह किया था उसकी सारी पिक्चर्स उसकी सारी फोटोज मैंने देखी है। मैंने पूछा कि तुमने वो फोटोज कहाँ देखी है? उसने बोला कि मैंने फेसबुक पर तुम्हारे फेसबुक पे वो सारी फोटोज देखी है। और संगत जी आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी फेसबुक पर कोई भी अपनी पिक्चर शेयर नहीं की है। मैं कभी भी फेसबुक पे कोई पिक्चर नहीं डालती हूँ और ना ही मैं बहुत ज्यादा उस पर एक्टिव रहती हूँ। हार्डली ही मैं कभी ऐसे फेसबुक खोलती होंगी। जो कि मैंने उसको बोला कि मैंने आज तक फेसबुक पे कभी कोई पिक्चर नहीं डाली है। तो वो बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उन पिक्चर्स को जूम करके 100 टाइम्स देखा है, इतनी बार देखा है कि वो तेरे घर की थी और उसमें तुम लोग थे और जो सबसे फनी पार्ट था वो कहती है और उसमें तुम पार्वती बनी हुई हो और तुम्हारे हस्बैंड शिव बने हुए हैं। मैंने उसको फिर अपने ड्रीम के बारे में बताया और मैंने उसे बताया कि ये ड्रीम मुझे आया था और ऐसे मैंने अपने घर में और मेरे जो संगत के लोग हैं मैंने उनसे ये ड्रीम शेयर किया था। और पर मैंने बोला कि कोई उसकी फोटोज नहीं है कि ड्रीम की कोई फोटोज कैसे हो सकती हैं, और वो इस बात को यकीन नहीं कर रही है। तो मैंने इसने बोला कि मैंने कहाँ देखी? तो मैंने बोला मैं कैसे जान सकती हूँ कि तुमने वो फोटोज कहाँ देखी है? तो वो खुद ही ये क्वेश्चन मुझसे बर्बादा कर रही है, वो खुद ही नहीं सोच पा रही है कि उसने वो सारी फोटोज कहाँ देखी है जो हमारे घर में शिव विवाह हुआ था। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये बताया, ये उन्होंने मेरे को मैसेज पहुंचाया कि ऐसे दौड़ तक कोई काम नहीं बनता है। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है पर जो मैं पुरानी संगत से सुनती हूँ कि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं चलता है, कोई डाउट का काम नहीं है। और मैंने उनके जो उन्होंने इतना मुझे सुंदर ड्रीम दिखाया उसके ऊपर मैंने डाउट किया और गुरुजी ने कैसे वो
उसको एकदम क्लियर किया कि जो संगत भी नहीं है उसके थ्रू मुझे कॉल करके उसने फोटोज देखी हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि मेरे ड्रीम की फोटोज कोई कैसे देख सकता है। और इस तरह से गुरुजी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि वो जो कहते थे कि दाऊद तक कोई कमी है, या अपने अपने लॉजिक्स को या अपने दिमाग को अपनी जूतियों के साथ बाहर रखे ही मेरे दरबार में आया करो। और हम हमेशा दरबार जो कहते थे वो दरबार समझते थे कि जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे और दरबार उसका मतलब कि बाहर निकाल के आया करो, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि अपने लॉजिक्स को और अपनी जुतियों के साथ बाहर रख के आओ जब भी उनकी शरण में आ रहे हो। अगर आपने उनको सरेंडर कर दिया है अपने आप को, तो आप भूल जाइए कि कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है उनके साथ में। तो इस तरह से उनके साथ हुआ। उसके बाद उसने मुझे कहा कि आप प्लीज मुझे अपनी शिव पुराण की जो रिकॉर्डिंग्स है मुझे भी भेजना। पता नहीं गुरुजी अब उसे भी जोड़ना चाहते हैं या जो भी है। और इस तरह से ये मेरा एक बहुत ही सुंदर सत्संग था। इसके बाद जो मैं एक सत्संग शेयर करूंगी, पहले मैं एक छोटी सी इसके पहले बात बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों से जब सत्संग सुनती थी तो मैं सुनती आ रही थी कि बहुत सारे लोग अपने लोटे जो है वो ब्लेस करवाते हैं और जो भी है उनकी कष्ट या जो भी चीजें हैं उनकी दूर होती हैं इस तरह से। पर मैं गुरुजी के आगे बैठती थी, प्रार्थना करती थी और कहती थी कि मैं तो इतनी दूर बैठी हूँ, मेरा लोटा कैसे ब्लेस होगा। और फिर मैंने धीरे धीरे कुछ लोगों से मेरी जान पहचान हुई इंडिया में और मैंने उनसे कहना शुरू किया कि आप प्लीज मेरा लोटा ब्लेस करवा दो, या किसी और को कहा, किसी और को कहा। और सभी मुझे कहते थे कि हाँ हम लोग करा देंगे। और वो बहुत ही अच्छी संगत है सारी, जिनको भी मैं जानती हूँ, और उन्हें किसी ने मना नहीं किया। इसी बीच में मेरी हमारी यहाँ की एक संगत है वो इंडिया गई हुई है और उन्होंने, वो भी इंडिया में थी, तो मेरे पता नहीं क्यों मन हुआ, मैंने उनसे भी कहा कि आप मेरे लिए लोटा ब्लेस करवा सकती ला सकती हैं। तो उन्होंने एक बार तो थोड़ा सा सोचा और फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ बताती हूँ। तो मुझे लगा क्योंकि जब भी कोई इंडिया जाता है, अब तो क्योंकि कोविड की वजह से इतने सालों बाद सब लोग जा रहे हैं तो बहुत सामान हो जाता है, तो मुझे लगा कि हो सकता है वो उनको लग रहा हो कि मैं मेरा एक्स्ट्रा सामान हो जाएगा। पर वो बहुत ही स्वीट संगत है हमारी। तो पर ये देखिए सब मेरे मन के हमारे डाउट्स होते हैं, हम लोग हर किसी पे थोड़ा सा शक करने लगते हैं कि सोचने लगते हैं ये दिमाग है हमेशा गलत ही सोचता है। तो मैं और भी संगत से कह रही थी कि आप प्लीज मेरा लोटा ब्लेस करा दो, और सब मुझे ये बता रहे थे कि जो पहले टाइम में ऐसा होता था कि वो लोटे को गुरुजी के की गद्दी के पास रखते थे, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब जो है क्योंकि बहुत ज्यादा संगत आने लगी है तो जो लोटा है बस उसको सब अपने हाथों में लेके चलते हैं, और जब गुरुजी की गद्दी के आगे से निकलते हैं तो वो उस तरफ लोटे का मुंह कर देते हैं और ऐसे ही ब्लेस होते हैं। और उसके बाद मेरी जो इंडिया हमारी संगत गई हुई है उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी वो अपनी सिस्टर का लोटा ब्लेस करवा के लाई थी, और फिर उन्होंने बोला कि वो फिर अपने डैडी का लोटा जो है एक उनके लिए भी ब्लेस करा के लेकर आई हैं। तो वहां पर वो 5 वीक्स के लिए गई थी, तो उन्होंने ये सोचा था कि वो एवरी मंडे बड़े मंदिर जाएंगी, तो वो हर मंडे जा रही थी। और जो थर्ड मंडे था उन्होंने, उनके मन में आया कि वो, उनके मन में क्या, वो गुरुजी ने ही डाला होगा कि मेरे लिए भी लोटा ब्लेस करवा दें। और वो थर्ड मंडे था जिसमें वो मेरे लिए लोटा ब्लेस कराने के लिए लेके गई। और उस मंडे जब वो गई तो उन्होंने बताया कि तुम बिलीव करोगे कि जब मैं फर्स्ट मंडे गई अपनी सिस्टर का लोटा ब्लेस कराने, तो मैं वैसे ही भीड़ में थी, सीधा चल रही थी और अपना बस वो जल्दी सेवादार बोल रहे थे जल्दी चलो आगे आगे, और एक सेकंड कभी रुकने का टाइम नहीं था। और फिर वो अपनी डैडी का लोटा ब्लेस कराने के लिए गई सेकंड मंडे में, तो वो बोलते फिर से वही चीज थी कि वो कहते थे कि बस चलते जाओ कहती है। और जब तुम्हारा, मैं थर्ड मंडे में मैं तुम्हारा लोटा लेके गई, कहती है मैं लोटा लेके चल रही हूँ, अचानक से एक सेवादार ने मुझे रोका और कहा कि आप लाइन से बाहर आ जाइए और यहाँ गुरुजी की गद्दी के पास खड़े होके आराम से लोटा ब्लेस कराइए, और जितनी देर खड़ा होना है आप यहाँ खड़े रहिए।
कहती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और कहती है कि सब भीड़ चल रही है, वो सब मुझे देख रही है कि ये क्यों इनको ऐसे बाहर निकाल के अलग खड़ा कर रखा है। और कहती है उसके बाद फिर से सेवादार ने कहा कि आप बिल्कुल आराम से अपनी जो अरदास करनी है, जो कुछ भी करना है आप करिए, और अपने अच्छे से लोटे को ब्लेस करवा लीजिए। तो ये लोटे की बात मैं एक तो आपको कि वो कैसे गुरु जी सब सुनते हैं ये भी था, लेकिन अब मैं इसको कहीं और जोड़ूंगी, पर मैं आपको बताऊंगी वो कहाँ पे आएगी बात। मैं जो अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही एक बड़ा मेरी जिंदगी का सत्संग हुआ है। सभी बहुत ही पीछे सत्संग है मेरे लिए, हर छोटा बड़ा सा कुछ भी नहीं है, पर ये एक बहुत ही बड़ी चीज हुई है मेरे साथ। अभी क्योंकि मैं थोड़ी सी अपने बारे में पहले बताती हूँ कि मेरा जो लेफ्ट एक लेग है उसमें मुझे क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है। मुझे डीवीटी हुआ था बहुत साल पहले, इसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, और उसमें ब्लड के क्लॉट्स हो जाते हैं, ब्लड की छोटी छोटी सी गोलियां बन जाती हैं और जो कि वेन्स में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। तो मुझे ये जो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी 3 बार हो चुकी है, पर अगर कोई भी मुझे सामने से देखता है कोई गेस नहीं कर सकता कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ करती हूँ, पर वो मैं जानती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है उस लेग में, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, पर सामने से कोई गेस नहीं कर सकता। बस हाँ ये है कि जब वो पेन्स में जब मैं आती हूँ तो मैं तो सफर करती हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली सफर करती है, तो बस वो हमारी फैमिली के सब लोग जानते हैं कि हाँ इसका कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। तो अभी क्या हुआ था, जो भी मार्च गया है पिछले महीने ही, मिड मार्च से, यानी कि आई थिंक 15 या 16 मार्च से मेरे को बहुत लेग में पेन स्टार्ट हुआ, और वो और अभी मेरे को जब 2020 था तब मुझे एक बार जो थर्ड टाइम मेरे को क्लॉट हुआ था, वो मेरा 10 सेंटीमीटर का क्लॉट था, काफी बड़ा था, और जब भी ये क्लॉट होता है वो आपका लाइफ थ्रेटनिंग होता है कि उसी समय फिर आपको इमरजेंसी में जाना पड़ता है, अगर डॉक्टर्स या कुछ अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल भागो ये सब करो। तो 2020 में मुझे बहुत बड़ा क्लॉट हुआ था, और उसके बाद से उन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे परमानेंटली ब्लड थिनर्स पे डाल दिया था, यानी कि जिससे मेरा खून हमेशा पतला रहे उस पर उन मेडिसिन पे मुझे रख दिया था। तो अभी जब मुझे मार्च में पेन स्टार्ट हुआ वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, और इसी महीने जो 1st of April थी उस दिन फ्राइडे था, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे लगा कि फिर से शायद क्लॉट्स हो गए, क्लॉटिंग हो गई है, मुझे क्लॉट हो गए हैं, और मेरे को वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी पेन, और मुझे लगा कि फिर से हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आई थिंक मुझे फिर से क्लॉटिंग हो गई है, सारे सिम्टम्स वही हैं और हमें शायद हॉस्पिटल चलना चाहिए, क्योंकि रात थी और यहाँ पे रात में कोई डॉक्टर्स बैठते नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर तुम देखो सुबह तक वेट कर सकती हो तो हम लोग सुबह सुबह फिर चीजें करेंगे। तो हमने किसी तरह से रात निकाली, सैटरडे की मॉर्निंग हम डॉक्टर के पास गए, और उसने मेरा इमिडिएटली क्या कहते हैं जो भी मेरी चीजें होती हैं स्कैनिंग वगैरह वो सब स्टार्ट करवा दी। सॉरी। तो वहां पर जब वो स्कैन कर रहे थे, क्योंकि वो सब कुछ मेरा इमरजेंसी में आ जाता है कि क्योंकि वो लाइफ के साथ कुछ भी वो जो क्लॉट होता है वो आपके हार्ट में या आपके ब्रेन में जा सकता है और उस समय आपकी डेथ हो सकती है, तो वो बहुत जल्दी सब कुछ करते हैं। तो इन्होंने मेरा सारा चेकअप और सारे स्कैन्स करने स्टार्ट कर दिए। उसने मुझे बोला कि ऑल गुड, कि सब ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद बस पेन है और क्लॉटिंग नहीं है, और मैं डॉक्टर के पास वापस नहीं गई अपनी रिपोर्ट लेने, और मैं सीधा घर आ गई। संडे को यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं बैठता, पर आई डोंट नो कैसे उस डॉक्टर ने अपने घर से मुझे फोन किया, या मैं नहीं जानती हूँ कि गुरुजी ने उससे कहलवाया। मेरी डॉक्टर ने मुझे कॉल किया और कहती है कि कल जो तुम्हारा स्कैन हुआ था उसमें तुम्हारे घुटने के नीचे एक 5 सेंटीमीटर का क्लॉट मिला है, जो काफी बड़ा है, और ये बहुत ही अभी इमरजेंसी का टाइम है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें बहुत रश मत करो कि एकदम हॉस्पिटल मत जाओ अभी, क्योंकि तुम ऑलरेडी जो है ब्लड थिनर्स ले रही हो, और तुम ऐसा करो कि मैंने अभी तुम्हारा सीधा ये जो रेफर लेटर है ब्लड स्पेशलिस्ट को भेज दिया है, तुम कल सुबह उससे डेफिनेटली अपॉइंटमेंट ले लेना। मैंने नेक्स्ट डे उसको फोन किया, मेरे को ट्यूजडे की सुबह की अपॉइंटमेंट मिली, मंडे की जो रात थी उस दिन मैं रात को
सत्संग सुन रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी पेन की वजह से, और मैं हेडफोन्स लगा के अपने सत्संग सुन रही थी, और क्योंकि मेरे हस्बैंड सब सो रहे थे तो ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। और मुझे ऐसा फील हुआ कि 12:15 बजे के करीब रात में कि कोई घर में चल रहा है, पैरों के चलने की बहुत तेज तेज आवाज, और जबकि वो हेडफोन्स लगे थे उसके अंदर से मुझे वो आवाज आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मेरा बेटा है, पर मैंने अपना, और फिर मेरे दिमाग में नहीं, वो तो नहीं होगा। मैंने फिर हेडफोन्स निकाल के सुना, उसके बाद भी वो कुछ मिनट्स तक वो आवाज मुझे आ रही थी। मैं ध्यान से सुन रही थी कि मैं देखूं उठ के, और फिर वो बंद हो गई। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही मेरे दिमाग का कोई खेल होगा, या ऐसे मुझे लग रहा होगा कुछ बाहर से कोई साउंड होगी या तो। और मैं जो है अपना सत्संग सुन के सोने की फिर से कोशिश करने लगी, और मुझे नहीं पता कब मेरी आंख लग गई 3:15 बजे के करीब, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ सुबह। 3:15 के बाद मेरी ऐसे ही रहता है कि बस उठो अब। तो मैं उठ चुकी थी, और मैं उठने के बाद मैंने अपनी आंखें नहीं खोली थी, मैं बेड में ही थी क्योंकि पेन की वजह से मैं बैठी हुई थी आंखें बंद करके। मैं बैठे बैठे मैंने गुरु जी को, आंखें बंद नहीं, मैं बैठी रही और मैंने कहा कि जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, और गुरु जी महाराज हमारे सारे विकारों को दूर करो और हमें अपने श्री चरणों में हमेशा रखे रखो। जैसे ही मैंने ये चार लाइनें बोली, मेरे घुटने में से इतनी तेज एक साउंड आई जैसे कुछ खटाक करके, या कुछ एक अजीब सी साउंड थी जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब भी हम कोई ऐसी, जैसे कई बार हम अपनी उंगलियों को चटकाते हैं या कुछ करते हैं, तो हमारे बोन्स में या हमारी स्किन में कोई सेंसेशन होती है, कुछ फीलिंग्स आती हैं। पर मेरे को उस घुटने में कोई फीलिंग नहीं थी, बस एक साउंड थी जो बहुत तेज आई थी। और मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली और मैंने सोचा कि ये कैसी साउंड आ रही है। तो मैंने अपने घुटने को, मैं डर भी गई थी और क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान चल रही थी, मैं जल्दी से ऐसे अपने हाथ से अपने घुटने को सहलाने लगी। और उसी समय मैंने एक दो सेकंड के बाद रियलाइज किया कि जो मेरे घुटने में जो मेरे को पेन थी, जो मेरे को 10 में से 10 पेन थी, वो 10 में से 2 रह गई थी, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। और मेरे को एकदम से झोंकते खड़े होने लगे, और मैं ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी रात में। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच में हुआ है, क्या हुआ है, और बस वहां पर गुरु जी का ध्यान आ रहा था कि क्या गुरु जी थे, पर मैं समझ नहीं पाई। और मैं फिर उठी क्योंकि अभी भी मैं डाउट में थी मैं डाउट में थी कि ये सच में है कि या बस ऐसे ही मुझे फील हो रहा है। तो मैं खड़ी हुई, मैंने चल के देखा और मैंने फील किया कि मैं बहुत ही बेटर हो चुकी हूँ, ऑलमोस्ट नाक के बराबर दर्द है। सुबह हुई, मैंने अपने, जब मेरे हस्बैंड उठे और मैंने उन्हें सारी बात बताई, और उन्होंने कहा मुझसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे गुरुजी पहले लोगों के आके, जो पुरानी संगत है बताती है कि रात में आके गुरुजी उनको ऑपरेशन कर जाते थे, कहीं तुम्हारा तो कुछ नहीं कर गए ऐसे ऑपरेशन वगैरह। तो मुझसे थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, पर मैंने बोला कि नहीं, मेरे का गुरुजी ऐसा मेरे को क्यों करेंगे, मेरा वो सौभाग्य नहीं है, मैं इतनी सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि गुरुजी मेरे लिए आए। हमने तो पता नहीं कितने पाप किए हैं, कितने पापों का बोझा लेके चल रहे हैं, तो मैं शायद उस लायक नहीं हूँ। तो पर मैंने कहा मैं फिर भी चल के देखती हूँ, पर दर्द नहीं था मुझे। उस दिन मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी थी, स्पेशलिस्ट से मेरी अपॉइंटमेंट हुई। डॉक्टर ने कहा, जो स्पेशलिस्ट था, कि हम तुम्हारा एक और स्कैन करेंगे और एक और ब्लड टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि जो तुम्हारी ब्लड थिनर हम दे रहे हैं उससे कोई नया क्लॉट तो नहीं बना है, क्योंकि ब्लड थिनर्स के होने से क्लॉट्स नहीं बनने चाहिए, और अगर ये हुआ है तो ये पुराना क्लॉट है कि नया क्लॉट है। ट्यूजडे को मेरा दूसरा स्कैन होता है, और जब वो स्कैन कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि वो जो क्लॉट है क्या वो काफी बड़ा है, या क्या उसकी जो भी चीजें हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहती थी ताकि वो मुझे, और मैं उससे चाह रही थी कि वो जो स्क्रीन है वो मेरे पास कर दे अपने कंप्यूटर की, ताकि मैं भी देख सकूं कि वो कहाँ पे है और कितना बड़ा क्लॉट है। तो आप संगत जी बिलीव करोगे कि उसने मुझसे बोला कि मैं खुद ही वो क्लॉट ढूंढ रहा हूँ जो आपका, आपके उसमें रिपोर्ट में आया है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लॉट ही नहीं है। और मेरे को बहुत ही ज्यादा गुजबम्स आने लगे थे, और मैं इतनी बस कुर्सी का ध्यान कर रही थी बार बार मन में,
और मैंने कहा लेकिन ऐसा पॉसिबल तो, और मैं उससे बहस भी कर रही थी क्योंकि अभी तक अपने अंदर के डाउट्स नहीं जाते हैं ना, तो मैं उससे कह रही थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी तुमने 4 दिन पहले स्कैन किया है और तुम आज 4 दिन बाद मुझे कह रहे हो कि तुम्हारे पहले 5 सेंटीमीटर का क्लॉट है और आज नहीं है 4 दिन के बाद। तो वो बोलता है कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ इसके बारे में, तुम्हारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जो तुम्हारे डॉक्टर हैं, वो ही तुम्हें इसके बारे में बताएंगे। वेंसडे को मेरी फिर से अपॉइंटमेंट थी और डॉक्टर ने मुझे बताया, जो मेरा स्पेशलिस्ट था, कि कहता है कि गुड न्यूज ये है कि जो तुम्हारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई है उससे तुम्हारा कोई नया क्लॉट नहीं बना है। अब जो तुम्हारा 5 सेंटीमीटर वाले क्लॉट की बात आती है तो उसकी रिपोर्ट ये है कि वहां पर वो क्लॉट नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि ये कैसे पॉसिबल है, तो वो कहता है कि डॉक्टर कि मैं खुद ही नहीं जानता हूं कि ये कैसे हो रहा है, पर हम इस चीज को ये मान के चलते हैं कि जो तुम्हारा पहला स्कैन हुआ था वो एक्यूरेट नहीं था, वो गलत स्कैन हुआ था, है ना। तो मैंने कहा कि ये इतना तुम्हारा सीरियस मैटर होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इतने सालों से तुम्हें स्कैन करते आ रहे हो, ये तुम बोल रहे हो कि वो गलत स्कैन हो गया है और वो भी इतना बड़ा प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, जो पूरी उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास है, पिक्चर में वो पूरा प्लॉट दिखाई दे रहा है और 4 दिन के बाद वो प्लॉट नहीं दिखाई दे रहा, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो डॉक्टर मुझसे कहता है कि तो हाँ, तो हम ये भी तो नहीं मान के चल सकते ना कि 4 दिन के अंदर इतना बड़ा क्लॉट गायब हो गया या डिसॉल्व हो गया, क्योंकि जब लास्ट टाइम मुझे 10 सेंटीमीटर का क्लॉट हुआ था उसको डिसॉल्व होने के लिए 1 साल लग गया था मुझे, उसकी जो ट्रीटमेंट चली थी। तो आप ये सोचिए कि कितना टाइम लगता है एक छोटे से क्लॉट को भी डिसॉल्व होने के लिए। तो वो बोलता है कि 4 दिन के अंदर इतना बड़ा क्लॉट कैसे डिसॉल्व हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन मैं तो जानती थी ना मन से कि सब कुछ पॉसिबल है जब अपने गुरुजी महाराज की कृपा होती है, हम उनकी शरण में जाते हैं, तो उनकी लीलाएं वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम नहीं जानते। मैं डॉक्टर से थोड़ी देर बहस करती रही और उसने यही आखिर में कहा कि कोई क्लॉट नहीं है और वहां ब्लड भी ठीक दिखाई दे रहा है, और जो है हम यही मानेंगे कि वो पहला वाला गलत था, जो रिपोर्ट थी आपकी, जो स्कैन था, लेकिन वो गलत नहीं था, वो गुरुजी ने आकर मेरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, उस क्लॉट को खत्म कर दिया था। और इस चीज का शुक्राना मैं कैसे गुरुजी को करूं, कैसे उनसे बताऊं कि मैं कैसे उनका धन्यवाद करूं। जिस पेन, जब ये क्लॉट आते हैं मेरे को क्या पेन होती है, वो कितनी दुख में मैं जा कितनी तकलीफ से गुजरती हूँ, और मैं हम लोग कई बार, क्योंकि हमारी फैमिली भी उसमें सफर कर रही होती है, हम उस तकलीफ को खुद सहते हैं और बताना भी नहीं चाहते अपनी फैमिली से कि मुझे इतना पेन है, क्योंकि हमें लगता है कि जितना हम बताएंगे वो हमारे घर के लोग उतने ही दुखी होंगे, उनको भी उतनी ही तकलीफ होगी। लेकिन हमारे गुरु जी को, जो तो वो तो हमारे अंदर बैठे हैं, हमारे हृदय में है, हमारे मन के मंदिर में विराजमान है, जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। जब हमारे परिवार वालों के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमारे दर्द से, उन्हें भी दर्द है, तो जो हमारे अंदर विराजमान है वो भी उस तकलीफ के साथ जा रहा है, वो भी उस दर्द को नहीं सह पाता, और जब उनकी शरण में आ जाते हैं तो वो कैसे उन सब चीजों को ठीक कर देते हैं, कैसे लीलाएं करते हैं, इसका मैं कैसे शुक्राना करूं मैं नहीं जानती हूँ, ये गुरुजी ही जाने। बस मेरे मन के भाव हैं और हमारे बस जो भी हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, उनके जो चरणों में गिरते हैं, वही बस हमारे लिए, उनके लिए फूलों के समान है, कि वही बस हम उनके श्री चरणों में अर्पित करते हैं अपने भावों को। तो ऐसी लीलाएं हुई। उसके बाद 2 दिन, क्योंकि मुझे जब मैं सत्संग सुन रही थी स्पीच में, सॉरी, जब मैं इस बीच में सत्संग सुन रही थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि गुरु जी बाबा मुझसे कह रहे हैं कि तू वॉक पे चली जा। तो क्योंकि लगातार मेरी अपॉइंटमेंट चल रही थी डॉक्टर के साथ में, वेंसडे को भी अपॉइंटमेंट थी, तो थर्सडे की सुबह मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं आज जरूर वॉक के लिए जाऊंगी। और मैं थर्सडे को सुबह वॉक के लिए जैसे ही निकली, मैं जैसे ही घर से बाहर निकली, और हमारा बहुत सुंदर ऐसे फुटपाथ पे ट्रैक बना हुआ है वॉक करने के लिए, मैं बाहर निकलते ही फुटपाथ पे इतना बड़ा ओम बना हुआ है और वो सारा सूखे हुए पत्तियों से, डालियों से
नीचे जमीन पे एक ओम बना हुआ है और वो ऐसे बन नहीं सकता था, बिल्कुल जैसे कि वो पीछे ओम को घुमा के बनाया जाता है, उसके बाद उसपे ऊपर चांद बनाया जाता है, उसमें वो चांद बिंदी लगाई जाती है, वो पूरा प्रॉपर ओम बना हुआ था फुटपाथ पे। और मैंने उसको देखा, उसकी मैंने फोटोज ली, फिर मैं वॉक के लिए गई, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि ये मैं हूं जो सब कर रहा हूं और तेरे ऊपर कृपा की है, मैंने बार बार मेरा शुक्राना कर, हर पल कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, अंग संग हूँ। मैं ट्रैक पे, उसमें कोई नहीं था, मैं गई बिल्कुल सीधा वापस आई हूँ और फिर वो वहां पे ओम नहीं था। और फिर मैं घर में वापस आ गई, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे को लेग में पेन आता है लेफ्ट वाले में, तो मैं अपना सारा वेट जो है राइट वाले लेग पे डालती हूँ और मेरा राइट वाला लेग भी मेरा पेन करने लगता है उस समय पे। तो अब क्या था कि मेरा लेफ्ट वाला लेग तो गुरुजी ने ठीक कर दिया था, है ना, और पर राइट वाले लेग में अभी भी पेन हो रही थी। तो जो खराब था वो तो ठीक था, लेकिन जो ठीक वाला था उसमें पेन आ रही थी। दो दिन के बाद मैं सुबह जब उठी हुई थी, अमृत वेला के लिए उठना था मुझे, पर मैं लेटी हुई थी और अभी मैंने टाइम देखा, अभी मैंने कहा अभी अलार्म बजने में 5 या 10 मिनट है, तो मैं उसके बाद जो है उठती हूँ, अलार्म बजेगा तो थोड़ी देर बस आंख बंद करके मैं लेटी हुई थी। और मैंने लेटे लेटे ऐसे बोलने लगी, मैंने कहा गुरुजी आपने पता है मेरा लेफ्ट लेग तो ठीक कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, मैं कैसे शुक्राना करूं, पर मेरी ना राइट लेग में भी पेन हो रही है। और मैंने उस समय करवट ले रखी थी और मेरा लेफ्ट साइड में मैंने करवट ली हुई थी और मेरा राइट लेग ऊपर था। जैसे ही मैंने वो वर्ड्स मुंह से निकाले, मेरे को किसी ने, जबकि यहाँ पर विंटर्स हैं इस समय पे, क्योंकि जब इंडिया में समर्स होती है तो यहाँ विंटर्स होती हैं, मैंने ब्लैंकेट था उसके ऊपर रजाई भी थी, कुछ थी, और मेरे को आकर किसी ने उसको कोई जैसे ऐसे पूरा सहला के चला गया हो मेरे पैर को, पूरा जैसे दबा के कोई गया हो, और उसी पल वो दर्द भी गायब हो गया। जैसे ही वो क्षण मेरी हुआ कि किसी ने मेरे पैर पे हाथ फेरा है रिजाई के ऊपर से, और मैं उठकर बैठ गई, मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए। मैं इवन अभी बताते हुए भी मुझे ऐसा हो रहा है कि ये सब सच है, कि क्या था, वो सब चीजें होती हैं। कभी कभी तो हम खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि आज भी मैं आपको बता रही हूँ अभी इस चीज को, क्योंकि ज्यादा टाइम बीता नहीं है, कुछ 1-1.5 हफ्ता ही बीता है सारी चीजों को। आज भी मैं इन चीजों को अपने अंदर से यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा है कि ये सब चीजें मेरे साथ हुई हैं। हम संगत का जो भी इतनी प्यारी संगत है गुरु जी की, उनके सत्संग सुनते आ रहे हैं कि कैसे गुरु जी उनकी तकलीफों को हर लेते हैं, तभी तो उनका नाम हर है ना, उनको महादेव को हर भी कहते हैं, तो वो हर लेते हैं सब कुछ, सब कष्टों को हर लेते हैं। और जब उन्होंने मेरा वो सब कष्ट हर लिया तो मुझे देखिए यकीन भी नहीं हो रहा है। और उसके बाद वो ओम का दिखना, उसके बाद ये सत्संग मैंने अपनी संगत से यहाँ शेयर किया, और फिर मैंने जो बताया था आपको लोटे वाली बात, मैंने उस संगत से भी वहां पर इंडिया में शेयर किया। उनका मेरे पास फोन आया कि हमें सुना है कि तुम्हारे ऐसे से गुरुजी ने तुम्हारा वो क्लॉटिंग का ऐसे हुआ है, ठीक हुआ है। तो जब मैंने उनसे फोन पे सारा शेयर किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब तुम, क्योंकि अभी भी मैं थोड़ा डाउट में थी ना, तो उन्होंने बोला कि अब तुम अपना सत्संग हमसे सुनो उसके आगे का। तो कहती है कि जिस मंडे को तुम अपने रिपोर्ट्स की वेट कर रही थी और ट्यूसडे को तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी, जिस रात को मेरे को गुरुजी ने वो क्लॉट का साउंड आई और वो ठीक किया है, उसी मंडे को वो दिन था, वो थर्ड उनका मंडे था, जिस दिन वो मेरा लोटा ब्लेस कराने गई थी और उनको वहां दरबार में लाइन में से अलग निकाल के खड़ा कर दिया गया था कि तुम्हें जो अरदास करनी है उनके लिए, जिसके लिए भी आप लोटा ब्लेस करा रहे हो, अच्छे से कर लो। गुरुजी ने वहीं से मुझे ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी थी। और जब मैंने ये सुना तो बस कैसे धन्यवाद या शुक्राना कैसे बोलूं, बस आंखों में बस पानी आ जाता है ये सब बातें सोच के सुन के। बहुत बहुत उनका हमें शुक्राना है, उनकी कृपाएं ऐसी हैं कि हम कह नहीं सकते हैं शब्दों में या कुछ भी हमारे पास, वो व्याख्याएं, वो चीजें, वो शब्द कहाँ से लाऊं जो उनके लिए मैं कह पाऊं।
तो इस तरह से गुरु जी ने इस जीवन को ऐसे मोड़ दिया, अपनी शरण में लगा लिया और बताया कि हम कैसे हमेशा ही वो हमारी हमेशा ही हमारे साथ है, बस हमारा इतना ही है कि हम उनसे कुछ मांगे ना, कभी भी उनसे कुछ कहे ना। क्योंकि जब मुझे ये पेन आ रहा था, इतना मैं पेन में थी, तब भी मैंने गुरुजी को एक बार नहीं कहा कि इसे ठीक कर दो, क्योंकि मैं गुरुजी को बोल रही थी कि हाँ ये पेन आया है मेरे ही कर्मों का फल है, जो मैंने अपने पिछले जन्मों में, मेरे प्रारब्ध जो मैं अपने लेके आई हूँ साथ में, उनमें जो भी मैंने कष्ट झेलने हैं, जो भी पाप किए हैं उन्हें झेलना है, तो वो कष्ट है इनको झेलूंगी, बस आप मेरे साथ रहिए। और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि जब भी पहले कभी ऐसी क्लॉटिंग होती थी या कुछ भी होता था, मैं थोड़ी सी परेशान होती थी कि कल को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ये ऐसे कैसे होगा, घर में कैसे होगा। और मैंने अपने हस्बैंड को इस बार बोला कि पता है मुझे मरने से डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बस जो कुछ भी है सब अच्छे के लिए हो रहा है, अगर वो दर्द भी है तो भी अच्छे के लिए है, और अगर वो जो खुशी है दर्द नहीं है तो भी वो, तब हमें उनकी बहुत बहुत कृपा समझनी चाहिए। और अगर हमारा कोई दर्द भी आया है तो गुरु जी ने अब ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया है, उस जगह हमें ले आए हैं कि वो बता देते हैं कि देखो ये तुम खाली 10% सह रहे हो, अगर ये भी नहीं सह सकते तो मैं क्या करूं, तुमने इतने पाप किए हैं जबकि 90% तुम्हारा कष्ट मैं खुद ले लेता हूं। मैं गुरु जी को बाद में कह रही थी कि गुरु जी मेरा इतना पेन आपने लिया, आप कैसे सहन करते हो, कैसे हम आपको धन्यवाद दें, हमारे सबके पेन हर लेते हो, हमारे कष्ट हरते रहते हो, पर हम तो सच में जैसे गुरु जी कहा करते थे कि तुम सब लोग नाली के कीड़े हो, मैं उठा के तुम्हें बाहर रखता हूं पर तुम फिर से उसी में जाकर गिर जाते हो, हम फिर वही गलतियां करते हैं। गुरु जी बार बार कहते हैं निंदा चुगली मत करो, बस आज गुरु जी के आगे खड़े होते हैं और अगले दिन फिर वही निंदा चुगली करते हैं और फिर से वही पाप के भागीदार बनते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं उनके आगे जाके कि गुरु जी ये कष्ट हम पर क्यों आया है, क्यों हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम पल पल क्या कर रहे हैं, कैसे छोटी छोटी बुराइयां करते हैं, छोटी छोटी चीजें करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उन सब का भुगतान हमें भुगतना है और वो हम खुद तो भुगतते ही हैं, हमें ये भी सोच के चलना है कि वो 90% हम अपने गुरु को भी भुगतवाते हैं, उनको भी सहन करना पड़ता है, वो सब हमारी हमारी गलतियों का नतीजा वो भी सहन करते हैं। तो इस तरह से गुरु जी का मैं इतना शुक्राना करूंगी सब चीजों के लिए। मुझे मालूम नहीं है कि विक्रम अंकल में आगे टाइम है अभी कि सत्संग का कि नहीं है। जी आंटी, अभी मैं आगे सत्संग शेयर कर सकती हूँ थोड़ा सा? जी कर लीजिए। तो बस मैं एक छोटा सा सत्संग और अभी शेयर करूंगी। अभी क्या हुआ था कि मंडे को हमारे घर में सत्संग था, इसी मंडे को, और हमने इस मंडे को नहीं था, ये जो बैसाखी से पहले वाला मंडे था उसमें सत्संग था, और मैं अपना आंख बंद करके बैठी हुई थी और सडनली मैंने अपनी आंखों के आगे देखा, जबकि मेरी आंखें बंद थी, कि गुरुजी जो हमने उनकी गद्दी लगाई है उस पे विराजमान है और उन्होंने रेड और जो उनका ब्लैक कलर का चोला है उसमें वो बैठे हुए हैं। और मुझे लगा कि ये बस ये क्या देखा मैंने, और बस वो एक क्षण था, वो आया और चला गया। उसके बाद मैं लाख कोशिश करती रही लेकिन वो क्षण दोबारा वापिस लौट कर नहीं आया। जब हमारा सत्संग खत्म हुआ मैंने अपने घर में सबको बताया कि ऐसे मैंने गुरुजी को देखा, लेकिन देखिए हर बार हम डाउट करते हैं और गुरुजी बार बार कहते हैं कि यहाँ पर डाउट का कोई काम नहीं होता। मुझे लगा कि ऐसे ही मैंने, मेरे का भ्रम होगा, पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि लेकिन जो मैंने उनको देखा था ना वो रेड और ब्लैक कलर के चोले में देखा था, तो पर फिर भी मन के अंदर था कि देखा था कि नहीं देखा था, ऐसे मैं सोच रही थी। तो अभी हम जब बैसाखी का जो सत्संग था यहाँ वो काफी बड़े लेवल पे था, हम वहां गए थे अटेंड करने, और वहां पर जब सत्संग समाप्त हुआ आखिर में वहां पे वो सबूत बांट रहे थे, तो मैंने तो देखा नहीं और मेरी मदर इन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि तुम भी जाके वो सबूत लेकर आओ। और मैं जब गई, आप बिलीव करो कि जो सबूत वहां मिला
वो वही रेड एंड ब्लैक चोले वाला गुरु जी का स्वरूप था। और जैसे ही वो मेरे हाथों में आया तो मुझे जैसे गुरु जी कह रहे थे कि देख, मैंने कहा है ना कि यहाँ डाउट का कोई काम नहीं होता है ना। तो गुरु जी हमें पल पल हर क्षण ये बताते हैं कि जब तुमने अपने आप को मुझ पे समर्पित कर दिया है, मेरे चरणों में अपने आप को रख दिया है, तो बस फिर क्या डरना और क्या चीजों को सोचना, बस जो हो रहा है उससे ब्लेसिंग समझो, कोई डाउट मत करो। ये जो सारे हम लोग चमत्कार देखते हैं या जो भी आप मेरे का जो भी कुछ कह सकते हैं इन्हें, ये सब उनकी लीलाएं हैं और हमें वो बांधती हैं, क्योंकि गुरु जी कहा करते थे कि चमत्कार को ही नमस्कार है। तो बस उनकी इसीलिए हम वो ये सब चीजें करते हैं ताकि हमारा वो विश्वास जिससे हम भटक गए थे इतने सालों से, हम चीजों को अब अलग नजरिए से देखने लगे थे। पूजा हमारे अंदर क्या रह गई थी कि हम सुबह उठते थे, आरती की थाली घुमाते थे भगवान के आगे, और हम दिमाग में चलता था कि गैस पे चाय रखी है, बच्चों को स्कूल भेजना है या अभी ये काम करना है, और मुंह से हमारी आरतियां निकल रही होती थी। लेकिन अब जब से गुरु जी से जुड़े, उन्होंने वो हमारा तरीका बदल दिया। अब वो आरती नहीं होती, क्योंकि कोई आरती नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, हम गुरु जी के आगे खड़े होते हैं, अपने मन से उनके लिए पूजा करते हैं। अपने मन में जो चीजें आती हैं, और जब वो चीजें मन के अंदर से आती हैं, मन के भावों से आती हैं, तो वही उनकी आरती होती है, वही उनकी पूजा होती है, और हमारा मन भी उनके साथ फिर जुड़ता चला जाता है। नहीं तो मन तो कहीं और भाग रहा होता था और हम बस मुंह से आरती निकाल रहे होते थे और साथ में आरती की थाली घुमा रहे होते थे, और लगता था कि सब कुछ कर लिया है, जैसे कि भगवान को हमने थोड़ा सा मस्का लगा दिया और बस अपनी चीजें कर ली, खाना पूर्ति कर ली और दैट्स इट। लेकिन नहीं, ये सब नहीं। गुरु जी ने जो चीजें हमें बताई कि अपने मन से, अपने प्रेम से उनकी पूजा करो। इसके साथ ही आज गुरु जी महाराज की आज्ञा से मैं अपना ये सत्संग यहीं पर इस सत्संग को विश्राम देते हुए यहीं पूर्ण विराम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी टाइम हो रहा है। और जितनी भी गुरु जी की संगत है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबने इतने प्यार से जो भी सेवादार हैं उन सभी ने इस सत्संग को इतने प्यार से सुना और इतने अच्छे से सुना, और गुरु महाराज जी के भी श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन है। और इस नमन के साथ ही मैं आज कुछ लिखकर लाई थी, क्योंकि हमें ये मेरे खुद के शब्द नहीं है, ये जो आरती है, ये आरती या इसको पूजा कह सकते हैं, ये शिव पुराण में ही कुछ लाइनें लिखी हैं। तो मैं बस इसको समापन करने से पहले ये सब ये लाइनें पढ़ रही हूँ, और हमें चाहती हूँ कि आइए हम सब मिलकर अपने गुरुजी से ऐसी ही प्रार्थना करें। और ये शिव पुराण में लिखी हुई ही पूजा है, जो उसमें कहा है, जो शब्द उसमें, जो लाइनें उसमें लिखी है वो एज इट इज, कोई उसमें उलटफेर नहीं, हम वैसे ही उनको पढ़ेंगे। तो मैं गुरुजी महाराज से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूं। यहाँ पे भगवान शिव ने जैसे आपका जो शब्द है, इसको आप ये मत समझिए कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, क्योंकि वो आत्मा है, हम हमारी आत्मा उनके श्री चरणों में है ना। तो हे गुरु जी महाराज, मैं आपका हूं, आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन सर्वस्व है, मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है, यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी आपको अब तक पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ
वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। जय गुरु जी महाराज, जय शिव शंकर।